गाइस आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों को दिखा रहे हैं हम और हमारे मित्र यहाँ पर दोनों लोग जो है शाम का डिनर कर रहे हैं। और खाने में आप लोगों को बता देते हैं सबसे पहले हमने क्या बनाया है। हम दोनों लोगों ने मिलकर बनाया है, रोटी हमने 4 बनाई हैं, ठीक है, यानी जिसे चपाती आप कहते हैं। चावल थोड़े बनाए गए हैं, बाकी लौकी की सब्जी और दुकान से जो है मट्ठा लेकर आए थे तो थोड़ा मट्ठा है। बाकी डिनर का इतना हमारा रूटीन है, शाम के समय दोनों लोग खा रहे हैं। आज 30 मार्च डेट है, 30 मार्च और शाम के समय हम लोग मिलकर खाना खा रहे हैं। आप लोगों को बता दें हम लोग काफ़ी दिनों से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं शिक्षक भर्ती। हमारा तो सिलेक्शन जो है 2 नंबर से रह गया था शिक्षक भर्ती में, जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे उसमें 2 नंबर कम पड़ गए थे। तो इस वजह से 2018 में जो भर्ती आई थी 69,000, ठीक है, और 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था उसका, और उसके बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं आई, ठीक है। तब से इंतज़ार करते 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 आज बताओ 2023 हो गया, 4 साल बीत गए, 5वां साल लग गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों की ये हालत है कि अब तैयारी करते करते अब अन्य कोई परीक्षाएं जैसे देना तो उनके बारे में सोच रहे हैं, बाकी कैसे समय कटता है देख सकते हैं। ढेरों किताबें हमारे कमरे में लगी हुई हैं और तैयारी पर हम लोग अपना क्या कहते हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं रह गया, कैसे कैसे करें। 69,000 के बाद कोई भर्ती नहीं, बहुत ही युवा जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कैसे क्या भर्ती मिले, बड़ा प्रयास कर रहे हैं और बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। इलेक्शन आने वाला है, सोच रहे हैं कि इलेक्शन से पहले शायद बात फिर से भर्ती आए, और अभी उम्मीद ही है, पक्का नहीं है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। और दिन पर दिन इस तरीके से हम लोगों की डिप्रेशन बनता जा रहा है, हमारे नहीं और सभी युवाओं पे होता जा रहा है, और ख़ासकर जो लोग 1 से 10 तक की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी की। तो मेन रूप से सभी जो हैं आस लगाए हुए हैं कि प्राइमरी की आएगी और हम लोग जो है तैयारी अच्छी करके और अपना टीचर बनेंगे, सपना अपना संजोए हुए हैं। जैसे कि हमारा 2 नंबर से रह गया था और फिर भी हम लोग दोबारा चांस के लिए इस तरीके से तैयार रहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है कि तैयारी करें आएगी या नहीं आएगी। जब से BJP आई इस तरीके से बाउंडर बहुत ही ज़्यादा मचा के रख दिया है कि वैसे चलो 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार देते रहें भर्ती तो थोड़ा सा संतरा मिली रहती है कि चलो उम्मीद है कि अगली भर्ती आएगी तो करते रहेंगे, लेकिन 4 साल बताओ बीत गए और अभी तक नहीं, 5वां साल चल रहा है। इस तरीके से अब ऐसे थोड़ी किया जाता फिर ओवर एज हो जाओ या कोई अन्य चीज़ें, जो लोग लास्ट ओवर एज की लाइन पर हैं तो वो लोग क्या सोचेंगे, उनके जीवन में तो दूसरा मौका भी नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और भले ही साल में जो है 6-7 हज़ार 10 हज़ार जो भी भर्तियाँ हों आती रहें, तो जैसे बच्चों को जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको मौका मिलता रहे और कम से कम जीवन में 2-3 अटेम्प्ट तो कर ही पाएँ। और बाकी अन्य सरकारें रहीं जब से हम जानने वाले हुए तो उनके में तो चलो होती रहती थी, साल में 2 बार या साल में 1 बार हो गई, इस तरीके चलता रहता था। और जब से हमने BTC कंप्लीट किया उसके बाद तो ऐसा मौका चांस ही नहीं मिला, 1 बार बैठने को मौका मिला, उसके बाद तो 4 साल बीत गए, 5वां साल चल रहा है, बताओ दोबारा बैठने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। 27 से 28 साल हो गई उम्र, बताओ इस तरीके से मतलब चल रहा है कि बताओ क्या सोचा जाए क्या किया जाए, और मन भी नहीं लगता है। तो ये चीज़ है कि तो ऐसे जीवन चल रहा है, छोटा सा हमने वीडियो बनाया अपने दोस्त के साथ, खाना चल रहा है, पढ़ाई लिखाई और ऊपर से इस तरीके से हमारा रूटीन रहता है। बाकी आप लोगों को रूटीन भी देखने को मिलेगा, चैनल को वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना।